जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए एटॉमिक शेल्स में घूमते हुए एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहते हैं। पर प्रोटॉन का क्या? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से कैसे रहते हैं? सेम चार्ज होते हुए भी दो प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का देकर न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं फेंक देते? देखिए, विज्ञान कहता है प्रोटॉन की मजबूरी है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूं, यूनिवर्स को बनाने में सिर्फ चार फंडामेंटल फोर्सेस ही काम करती हैं। इनमें से एक फोर्स एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के साथ बांध कर रखती है। ये फोर्स हमारे उन टीचर्स की तरह काम करती है जो स्कूल में हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड से अलग हटाकर किसी और के साथ जबरदस्ती बैठा देते हैं। जो फोर्स एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से अलग करना चाहती है, उसे हम कूलम फोर्स के नाम से जानते हैं। पर जो फोर्स एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के साथ बांध कर रखती है, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कूलम फोर्स से मिलियन बिलियन टाइम्स नहीं बल्कि ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। या मैं यूं कहूं कि ये यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो भी गलत नहीं होगा।